हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन मां संतोषी को सबसे प्रिय है, इसलिए महिलाएं शुक्रवार को मां संतोषी की पूजा कर व्रत करती हैं। संतोषी का व्रत करने से घर में सुख शांति, धन और संतोष आता है। माता उनकी सारी समस्याएं हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। चलिए जानते हैं, अगर आप भी ये व्रत रखना चाहती हैं, तो कैसे रखें, किन बातों का ध्यान रखें, कुछ नियम हैं जिनका पालन आवश्यक है। पूजा विधि, कथा और आरती सुने। कहा जाता है कि माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में संतोष आती है। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती है। लेकिन संतोषी माँ का व्रत रखने के कई नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। हिंदू धर्म में संतोषी माँ को सुख शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। सुबह उठकर घर को और मंदिर को पूरी तरह से साफ कर ले, उसके बाद पूजा की चीजें इकट्ठा कर ले। सुबह से ही व्रत रखना होता है। शाम को जाकर पूजा और आरती करके व्रत खोला जाता है। माँ संतोषी की छवि के को रख कर पूजा करें। पूज घर में माता संतोषी की चित्र और कलश स्थापित कर पूजा करें। पूजा में गुड़, चना, कमल का फूल, फल, दूर्वा, अक्षत, नारियल फल माता को अर्पित करें। माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। खुद भी सुबह स्नान करके लाल साड़ी पहने। तो आइए संतोषी माता व्रत कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा को भक्तिभाव से पूरा सुने ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका जूठा जो खिलाती है। बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे प्रदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय, दो निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनखा क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 7 बजे से 10 तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया।
उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुहक देने लगे। सारा घर का काम करवा कर उसको लकड़ियां लेकर जंगल में भेजते थे। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वो सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी मेरा दुहक दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बिता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्र उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगे कि अब तो इसके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जगता है? वो कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है के नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा, देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भरी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेन लगे, सरे सामान का ग्राहक सौदा करने लगे। शाम तक धन का भरी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वही विश्राम करती थी। अचकन से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ी के तीन ढेर तैयार कर, एक एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गठर देख तेरे लिए मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गठर नीचे रख कर जोर से आवाज लगाना,
लो सासू जी, लकड़ियों का गठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देख उनकी इच्छा हुई कि हम यही आराम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतार कर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कह रही है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ भोजन कर। कपड़े गहने पहन उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाटबाट बन गया। अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया, पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए गई। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन न हो। लड़के गए, खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमने खीर नहीं खानी है। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए, रोती हुई मंदिर गई, कहने लगी है, माता यह क्या किया। हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने क्या अपराध किया है, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला, उसने पूछा कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, और तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई, नवमे मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है,
आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़चने से सना मुख, ऊपर सून के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे निकालो नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में सास को क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां संतोषी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।